इस राजमा बनाने जा रही हूँ प्याज की कचौड़ी। प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन और मंगरेल। इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक और मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच तेल। अब इन सबको अच्छे से हाथों से मसल कर मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट तक का रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पैन। पैन गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है। डाल रही हूँ थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको थोड़ा सा भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बारीक कटी हुई प्याज। इसे भी हल्का सा भून लेंगे। मैंने प्याज को 1 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी क्रश की हुई धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको मिक्स करते हुए हल्का सा भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन। बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 उबले हुए आलू, जिसको मैंने हाथों से हल्का सा मैश कर लिया है। हम आलू को भी मसालों के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेंगे। मैंने इन सबको अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चाट मसाला और थोड़ी सी धनिया पत्ता। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। इधर डो भी हमारा सेट हो गया है। अब इसे हाथों से हल्का सा मसल लेंगे। इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। मैंने सारे लोई तोड़ लिए हैं। इधर स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं।
सारे स्टफिंग का छोटे छोटे होल्स बना लिए हैं। अब हम एक लोई को लेंगे और इस तरह से इसको गोल करेंगे और इसको चारों तरफ से इस तरह से दबाते हुए एक प्याले का शेप दे देंगे। और इसमें बॉल्स को रखेंगे और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब इसको इस तरह से साइड से पतला करेंगे और सारे लोई को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको छान लेना। इधर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हल्का गर्म हो गया है। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके कचौड़ी को डालेंगे। कचौड़ियों को 2 मिनट तक टच नहीं करना है, इसको धीमे आंच पे पकने देंगे। 2 मिनट हो गया है, कचौड़ियाँ फूलने लगी है। अब इसे पलट लेते हैं। और इसे इसी तरह से उलट पलट कर दोनों साइड से ब्राउन होने तक पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कचौड़ियों को उलट पलट कर अच्छे से पका लिया है। कचौड़ियों में अच्छे कलर भी आ गए हैं। अब इन सबको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से बाकी सारे कचौड़ियों को भी छान लेंगे।